प्रोफेसर डॉक्टर साहिब के इम्तियाज़ को शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि माशाल्लाह बेहतरीन उन्होंने कन्वोकेशन के इंतज़ाम किए हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली जो कि हमारे मुल्क में नहीं होता, मुझे कई फंक्शंस पे इवेंट्स पे दावत आती है और चूंकि बहुत सी एंगेजमेंट्स होती हैं तो मुझे कहते हैं कि सर आधे घंटे से टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में हम आपको यहाँ से बिल्कुल फारग कर देंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो आधा घंटे के बाद फंक्शन शुरू होता है। तो आपको मालूम है कि मुल्की हालात और बहुत सी आजकल मसरूफियत बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे स्टाफ का ख्याल था कि हम साउथ पंजाब का दौरा जो है वो कैंसिल कर दें, उसको दोबारा प्लान करें। लेकिन मुझे चूँकि मुल्तान में नश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब का कन्वोकेशन था, फिर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेले का इफ्तिताह था और सुबह सादिक पब्लिक स्कूल का फाउंडर्स डे था, और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं इस यूनिवर्सिटी में वादा करके गया था कि मैं कन्वोकेशन पे आऊँगा। हालात हैं, इंशाल्लाह मैं कन्वोकेशन पे ज़रूर पहुँचूँगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेटियों को जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, सिल्वर मेडल लिया है, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और तमाम हमारी बेटियों ने, जिनको आज आपके लिए एक तारीखी दिन है कि आपकी मेहनत का समर आपको मिल रहा है, आपके वालदैन ने जो आपके लिए कुर्बानी दी है आपकी तालीम के लिए, उनका भी आज समर जो है आपको मिल रहा है, आपके असतज़ा ने जो मेहनत की है उसकी वजह से भी आपकी आज कामयाबी जो है हुई है। तो मैं आपके वालदैन को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और एक बात मैं आपसे ज़रूर बेटियों शेयर करना चाहूँगा कि मुझे 3.5 साल हो गए हैं, मैं चांसलर हूँ तमाम प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का, और मैं तमाम कन्वोकेशंस पे जाता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मैं जाऊँ जहाँ हमारे लड़के जो हैं लड़कियों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये लड़कियाँ ने आज तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। कल भी मैं नश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, माशाल्लाह कसीर तादाद हमारी बेटियां जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर मेडल लिए, फिर उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में गया वो भी हुआ, आज सदर पब्लिक स्कूल में भी माशाल्लाह हमारी बेटियां जो हैं वो भी वहां पर ज़्यादा गोल्ड मेडल ले रही हैं। तो मुझे फ़ख्र की बात है, ये किसी कौम के लिए, मुल्क के लिए, ये लड़कियाँ जो हैं लड़कों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। ख्वातीन को मर्दों के बराबर लाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है, बहुत से मैयर इख्तियार किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारी बच्चियां अपनी अहलियत की बिना पर और अपनी मेहनत की बिना पर माशाल्लाह कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मेरे लिए ये बात खुश आइंद है कि इस जामिया ने बहुत कम वक्त में शानदार तरक्की की मनाजर तय की हैं। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के लिए 125 एकड़ अराजी का हसूल, तरक्याती मंसूबों का आगाज़, BS प्रोग्रामों की तादाद में इजाफ़ा, MPhil और PhD डिग्री प्रोग्राम के ज़रिए तहकीक को फ़रोग देना मसलसल जद्दोजहद की निशानदही करते हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है। उम्मीद है कि सादिक कॉमन यूनिवर्सिटी एक मॉडल यूनिवर्सिटी बनेगी जो इल्म व हुनर और तहकीक के तमाम शोबों में जिद्दत और मखसूस महारत की हामिल होगी, और यह अदारा जनूबी पंजाब की समाजी व इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। मैं गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमन यूनिवर्सिटी की फारगुल तहसील तालबात और उनके वालदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्यारी बेटियों,
आज के बाद कौम के कर्ज की अदायगी का वक्त शुरू होगा। मुझे यकीन है कि आने वाले सालों में आप सब अपने प्यारे मुल्क की तरक्की और आवाम बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालते हुए अपने अदारे, ख़ानदान और बिलखसूस मुल्क को ईमानदार, मुखलस और कामयाब पेशावर अफराद के तौर पर काबिल फ़ख्र बनाएंगे। उम्मीद की किरण है, हमारा प्यारा मुल्क अपने नौजवानों को जो मौके दे रहा है उनमें आपका बराबर का हिस्सा है और ये आपका आइनी हक है कि इन मौके से बराबरी की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद हों। आला तालीम के मियार को बुलंद करने के लिए मौजूदा हुकूमत का तआवुन फ़कीदुल मसाल है और हमने नौजवानों को लीडरशिप के लिए दरकार सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिश की है। पाकिस्तान में तरबियत गाहों के सिलसिले में अहम करदार अदा करना है। तकरीबन हर शोबे में होने वाली तरक्की को बरकरार रखने के लिए इन अदारों को आला तालीम याफ्ता अफराद का इंतखाब करना है। इन अदारों को एक रवादार मुआशरे की तश्कील के लिए तलबा में अखलाकी इकदार को भी फ़रोग देना है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सलाहियतों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करेंगी और मुआशरे की खुशहाली और तरक्की के लिए भरपूर करदार अदा करेंगी। शायद डिग्रियाँ हासिल करने के बाद घरों में ना बैठें बल्कि अपने शोबों में शामिल होकर मुआशरे और इंसानियत की खिदमत करें और आपका मुल्क व कौम की तरक्की में करदार ही इन अखराजात का नेमल बदल है जो कौम ने आपकी तालीम पर की है। अवलीन तरजीह है क्योंकि इसके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैं इस यूनिवर्सिटी के हर फर्द से गुजारिश करता हूँ कि वो गहरी वाबस्तगी के साथ इस अवलीन मकसद के हसूल में नुमाया करदार अदा करें। हमें अपने नौजवानों की इलम और पेशा वराना महारत के ज़रिए दहशतगर्दी और इसके नतीजे में पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। इस कौम को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह आगे बढ़ने, नीज़ कामयाब और अज़ीम तरीन बनाने के लिए हमें इस मुल्क के नौजवानों की सलाहियतों को बुरे कार लाना है। हमारी उम्मीद अब्दी है और हमारा ईमान लामहदूद है। आपकी यूनिवर्सिटी की क़्यादत और इसका चांसलर होना मेरे लिए बायस फ़ख्र है। आपसे अगरचे मैं बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को जहाँ भी जाता हूँ हमेशा कहता हूँ कि आपकी तालीम में, आपकी कामयाबी में आपके वालदैन का बड़ा हक होता है, तो इसलिए जब आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं तो अपने वालदैन का एहतराम, उनकी खिदमत और उनको लुक आफ्टर करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि ये बात मुझे लड़कों को एड्रेस करके करनी चाहिए क्योंकि लड़कियों तो हर ख़ानदान में अपना हक से ज़्यादा भी वो अदा करती हैं। मेरा ये अपना 50 साल का तजर्बा है और मैं ख़ानदान के लोगों को, दोस्तों को, फैमिली के मेंबर्स को जानता हूँ कि जब वालदैन बूढ़े होते हैं तो उनकी खिदमत उनकी बेटियाँ ही करती हैं। ये बेटियाँ एक अहम करदार अदा करती हैं। इसलिए हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि जो विरासत है, जब आज से 1400-1500 साल पहले मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका हक दे दिया कि विरासत में लड़के का इतना हक है, लड़की का इतना हक है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने वालदैन को अब चाहिए कि हम यकीनी बनाएं कि अपनी बच्चियों को उनका हिस्सा जो इस्लाम ने हमें कहा है वो हम उनका हिस्सा दें। मुझे बड़ी तकलीफ़ होता है जब बहनें और लड़कियां मेरे पास आती हैं कि उनके भाइयों ने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, उन पे FIR करवा दी है, उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चियों को उनका हक जो है दिलाऊं। और मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि कौंसल जनरल भी रहे, कौंसल भी रहे, बाद में एम्बेसडर भी हुए बने, तो वो मुझे एक दफ़ा एक किस्सा सुना रहे थे कि उसने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बहनों को ये एफिडेविट देते हुए, मुख्तारनामा बनाते हुए देखा है जिन्होंने कहा कि हमारे हिस्से की ज़मीन जो है हमारे भाई को दे। लेकिन पूरे इस मुलाजमत के 30 साल के अरसे में मैंने एक भाई नहीं मेरे पास आया जिसने कहा कि मैं अपनी मेरी बहन को दे। ये एक हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया है। हालांकि यहाँ पर भाई जो हैं बेहतर
जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा रिस्क है, तो अपनी जो गरीब उनकी बहनें हैं या रिश्तेदार हैं उनका ख्याल करना चाहिए। और इंशाल्लाह ख्वातीन के हकूक के लिए मेरी जो जद्दोजहद है, जो कम्पेन है, इंशाल्लाह वो जारी रहेगी। तो आखिर में मैं फिर वाइस चांसलर साहबा का, आपकी पूरी टीम का, स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे यहाँ से अभी पहुँचना है, बहुत ज़रूरी।